हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आप अपने चैनल बैंकिंग करियर पर मेरा नाम उमेश यादव है दोस्तों आईबीपीएस क्लर्क कैंडिडेट के लिए गुड न्यूज़ है आप आईबीपीएस क्लर्क आप आप के एग्जाम आप क्वालिफाई किए हैं आप मेन के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा न्यूज़ है पंजाब नेशनल बैंक ने जो थर्टी वैकेंसी ऐड किया था उसका स्टेट वाइज और यूनियन टेरिटरी वाइज जो है डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है आप सभी को इस वीडियो में डिटेल में सब कुछ है बताने वाला हूँ अपने चैनल के सब्सक्राइबर हैं श्री राहुल उन्होंने जो आर फाइल किया था इसमें जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा था आप देख लीजिएगा यहाँ पर पढ़ लीजिएगा स्टेट वाइज और यूटी वाइज जो है डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं आप सब लोग जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ कुछ स्टेट में जो है वैकेंसी जीरो है यूटी में जीरो है बट किसी किसी स्टेट की बात करें तो ज़्यादा वैकेंसी ऐड हुआ है हम लोग एक एक करके देखते हैं आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार में जो है वैकेंसी वनली जो है वन है आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश की बात करें तो जीरो वैकेंसी है अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 10 वैकेंसी है असम की बात करें तो 295 जो है वैकेंसी है बिहार में जो है 150 है उसके बाद चंडीगढ़ में जो है वैकेंसी नहीं है उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ में 83 है दादर एंड आगर हवेली में जीरो है उसके बाद आपका दमन एंड दीव में जो है वन है दिल्ली में जो है थर्टी नाइन है आप यहाँ पर देख लीजिएगा अपने स्टेट और यूटी का आप है एक बार जो है वैकेंसी देख लीजिएगा यहाँ पर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र यहाँ पर दोस्तों ये बड़े बड़े स्टेट होने के बावजूद भी केरला यहाँ पर जो है वैकेंसी पंजाब नेशनल बैंक ने जो है ऐड नहीं किया यानी दोस्तों महाराष्ट्र हो गया मध्य प्रदेश हो गया केरला हो गया यहाँ पर जो है पंजाब नेशनल बैंक ने जो है वैकेंसी ऐड नहीं किया है यहाँ के कैंडिडेट को जो है काफी उदास किया पंजाब नेशनल बैंक ने 3100 जो वैकेंसी ऐड किया था पंजाब नेशनल बैंक ने क्लर्क में उसका डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे गुड न्यूज है वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा वैकेंसी ऐड किया है वेस्ट बंगाल के लिए 1221 वह जो है टोटल वैकेंसी ऐड हुआ है उसके बाद उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट के लिए भी काफ़ी अच्छा न्यूज है 500 वैकेंसी ऐड किया है उसके बाद जो है पंजाब में भी जो है 165 वैकेंसी ऐड किया है बाकी यहाँ पर जो है देख लीजिएगा यानी दोस्तों 3100 जो क्लर्क का पंजाब नेशनल बैंक में ने वैकेंसी ऐड किया था उसी का जो है डिस्ट्रीब्यूशन है एक कैंडिडेट ने आरटीआई फाइल किया था उसी का जो है रिप्लाई आया था तो दोस्तों आप अपने स्टेट का वैकेंसी देख लीजिए आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी सब डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है यहाँ पर देख लीजिए वेस्ट बंगाल में जो है एक सर्विस के लिए जो है वन आपका जो है वैकेंसी है सभी जो है एक सर्विस मैन का सिलेक्शन हो जाएगा एक्चुअली ज़्यादा तो एक सर्विस मैन सर लोग होते नहीं है वो लोग ज़्यादा भरते नहीं है जितने लोगों ने जो है फॉर्म फिल किया होगा उनका जो है डेफिनेटली जो है मेन एग्जाम में, में सिलेक्शन होगा तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो है कुछ स्टेट के लिए जो है वैकेंसी नहीं है कुछ स्टेट के लिए जो है काफ़ी अच्छा वैकेंसी है तो आप सब लोग जो है इसको एक बार देख लीजिएगा और मेन एग्जाम के लिए जम के प्रिपरेशन कीजिए आप सब लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए आप मेमोरी वेस्ट पेपर का आपको लिंक दिया हूँ उसको आप अटैम्प कर लीजिए और एटलीस्ट जो है फोर मंथ का करंट अफेयर तो जरूर पढ़ के जाइए उसके लिए मैं आप सभी को अफेयर क्लाउड का पीडीएफ जो है रिकमेंड किया हूँ आप सब लोग जो है जाकर सब्सक्राइब कर, कर लीजिए इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ और के प्रिपेशन कीजिए आप सभी को डेफिनेटली हंड्रेड आपके एग्जाम में जो है सिलेक्शन होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग बैंकिंग करियर गॉड ब्लेस यू ऑल